क्लास 7 की उर्दू का सबक नंबर जो है ये हमारे पास है 13 और इसका सफर नंबर है 67 यानी 67। सबक नंबर 13 और सबक का नाम है चैन कुमार से। सबसे पहले हम इसके टॉपिक को ये डिस्कस कर लेते हैं कि चैन की बात है। चैन यानी सुकून, सुकून की बात है। बांसुरी, बांसुरी का तो आप सबको पता है कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बांसुरी जो तकरीबन इस शेप में शायद होती है, ये है जी इसकी शेप, ये गोल होती है यहाँ से इस तरह से। ये है जी बांसुरी, ये बांसुरी की शक्ल आपको नजर आ गई। अब है जी सबक। देखिए बच्चों, आप लोग घरों में बुक्स आपके पास हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको जितना भी पढ़ाऊँ वो इतना मतलब इस तरह से पढ़ा दूँ कि आप लोगों को वो सुनते सुनते में ही सारा कुछ समझ आ जाए। बहुत सारी चीज़ें इस सबक में समझने वाली, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने वाली। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लें। इसका तारुफ है जी, ये चीन की एक लोक कहानी है। लोक कहानी ऐसी कहानी को कहते हैं जो किसी मुल्क या इलाके के लोगों के जरिए सीना ब सीना। चले जी, मैं साथ साथ अल्फाज मायने भी लिखती जाती हूँ ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो और आप लोग अल्फाज मायने मेरे साथ साथ लिख लें। Yeah।
रिलेटेड है और पुराने जमाने की बात है कि चंद पोषण जो बंदा है इस कहानी का एक मरकजी किरदार है। चंद पोषण किरदार है इस कहानी का, उसका नाम है चंद पोषण। और उसके बाद जो है काम के साथ
होती है वो कहती आप कुछ देर आराम क्यों नहीं करते, तो काम काम का क्या है होता ही रहेगा। चार क्वेश्चन जवाब देता बेगम ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कोई आदमी शेर पर सवार हो और उसको कहा जाए कि तुम इस दरिंदे की कमर से पल भर के लिए उतर क्यों नहीं जाते, और वो जवाब दे कि अगर मैं उतरा तो शेर मुझे खा जाएगा। चंद क्वेश्चन के पड़ोस में एक गरीब आदमी रहता था, इसका नाम था ली। ली चंद क्वेश्चन जितना अमीर था ली इतना ही गरीब था। वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वो बहुत मेहनत करता था लेकिन मजदूरी बहुत थोड़ी मिलती थी, बस इतने पैसे मिल जाते थे कि वो रुखी सुखी खा लेता और मोटा छोटा पहन लेता। जब वो शाम को थका हार आता तो आती ही पहला काम ये करता कि अपनी दिन भर की कमाई अपनी बीवी की झोली में डाल देता था। अब उसे किसी बात की फिक्र ना होती कि दाल रोटी खाकर खुदा का शुक्र अदा करता। गर्मियों के दिनों में जब शाम झपट झटपटा होले होले फैलता, शाम का झटपटा होले होले झटपटा मैं फिर ये रहता ही पर
हकलाते हुए कहने लगा, हकलाते हुए कांपते हुए। जनाब आप तो जानते हैं मुझ जैसे गरीब मजदूर की जिंदगी कैसी गुजर सकती है, हमेशा ये सोचता है मुँह के काम बहुत सख्त और उजरत बहुत कम, मगर मेरी बीवी बहुत सुगढ़ समझदार, इसलिए बुरा भला गुजारा हो ही जाता है। जब पश्चिम मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई जी, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि तुम मेहनत ज्यादा करते हो और तुम्हें इसका मुआवजा बहुत कम मिलता है। तुम मेरे पड़ोसी हो और मैं तुम्हें खुशहाल देखने के लिए तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। ये लो 5,000 अशरफियाँ, इनसे कोई कारोबार करके खुशहाल जिंदगी बसर करो। ये तो इतनी बड़ी रकम का सुनकर एहसान के मारे जमीन तक झुक गया। उसे चंद पशम का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज तक न मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से चंद के घर से निकला और दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसकी सांस खुली हुई थी, खुशी के मारे उससे बोला तक न जा रहा था। खैर उस रोज वो काम पर भी ना गया, सारा दिन बीवी के साथ मिलकर नए कारोबार के लिए सलाह मशवरे करने लगा। इन्हें खाने तक का होश न रहा, इनका दिमाग तो शिरफियों में और नए कारोबार में उलझा हुआ था। उधर चंद पशम की बीवी खड़ी खोले लिए के खिड़की खोले ली की सुरीली रंगों की मुंतजिर थी, मगर हौले हौले शाम से आ रात में बदल गई। मगर नगमा को क्या बांसुरी का एक सुर भी सुनाई न दिया। वो भागी हुई अपने शौहर के पास गई और उसे कहा, वाकई आप ठीक कहते थे, दौलत ने ली की बांसुरी के सुर चुरा लिए हैं। उधर नींद ली की आंखों से कोसों दूर थी। उसकी जागती आंखों में या तो मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब थे या नींद से बोझल पलकों पर अशरफियों के चोरी होने का अंदेशा पहुंची। चंद पोषण की बीवी
आंखों में आंसू आ गए और रजिस्टर के हिसाब किताब में मगन चंद पोजीशन थी। इस आवाज़ को सुनकर लम्हा भर को रुका और फिर इसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। जी ये सबक हो गया ख़त्म, ये कहानी आप लोगों ने सुन ली। इंशाल्लाह अब इसके मशकी सवालात हम कल करेंगे, अभी के लिए इतना ही।